Could be the possible habitat of these species. Scalier students, again, same cheese, moist, shady places. Alright? adding a more point ka kar rahe hum yahanpe, can be found on fairly dry places.

अगर कहीं से मुसलसल पानी की लीकेज चल रही है या इवन के छत के ऊपर जो वगैरह हमने बनाए होते हैं जहां से पानी का आउटलेट दिया होता है कि छत के ऊपर पानी इकट्ठा ना हो और पानी बाहर चला जाए वहां से भी अगर पानी मुसलसल फ्लो करता रहता है तो वहां पे एक ग्रीन मैट ग्रो करता हुआ नजर आएगा आपको अगर आप उसको फील करें तो वो वेल्वटी अपियरेंस या वेलवेटी टेक्सचर दे रहा होता है ओके अब ये क्या है दीज आर द्राइ ऑप्स अब यहां पर अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास जो आइडियल एग्जांपल है दैट इज फ्यूनेरिया ऑलराइट और फ्यूनेरिया जो हमें नजर आ रहा है दैट इज व्हाट इट इज बेसिकली द बेसिकलीट सो द द्रोमिनेंट जेनरेशन इन ब्राइ इज आल्सो द गमीटो फाइट जनरेशन तो गेमिटोफाइट जनरेशन की खसूसियत क्या है से एक स्टेप एडवांस और वो कौन सी प्रॉपर्टी है The plant body can be differentiated into leaf like and stem. Like structures, राइट right, students? अब ये जो highlighted words आपको नजर आ रहे हैं इससे क्या मुराद है इसे ही ही मुराद है कि यह बिल्कुल ही रैंडम या complex सा structure नहीं है बल्कि क्या है कि इसकी बॉडी को अगर हम देखें तो देखने के लिहाज़ से हमें यूं लगता है कि जैसे कोई हायर प्लांट है जिसके पास उसकी रूट्स भी हों और उसके लीव्स भी हों और उसका स्टेम भी हो लेकिन यहां पे गौर करने वाली चीज यह है लीफ लाइक -like एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या है ट्रू रूट नॉट ट्रू लीव एंड नॉट ट्रू स्टेम क्योंकि प्लांट्स के अंदर हमें नजर आती है right? तो इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंस आपके लिए मैं एड कर रहा हूं यहां पर दिस इज वॉट डिफ्रेंशियट बिट्वीन फ्यूनेरिया एंड पोली ट्राइकम राइट स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बोर्ड के लिहाज से भी अहम है क्या पॉसिबल डिफरेंस आपको नजर आ सकता है फ्यूनेरिया और पोलिट्राइकम के गिटोफाइट जेनरेशन के अंदर तो इसके लिए एक ही पॉइंट काफी होगा आपके जवाब को जस्टिफाई करने के लिए द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया एंड आर फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट ऑल राइट स्टूडेंट याद रखिएगा इसका मतलब यह है कि बुनियादी तौर पर जो प्लांट बॉडी है जो गमिटोफाइट बॉडी है वह सेम है लेकिन उसके ऊपर जो शाखें ग्रो कर रही है एक ब्रांच अलहदा से एनथ्रीडियो फोर का काम करेगी और दूसरी ब्रांच अलहदा से फोर का काम करेगी तो इसका मतलब यह है कि अगर सेम प्लांट की ब्रांचेस के ऊपर तो okay? लेकिन पोली ट्राइकम के अंदर फ्यूनेरिया के लिहाज से क्या डिफरेंट चीज मौजूद है इसको भी हम स्टेट करेंगे यहां पर एंड आर्सिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन एंटायरली डिफरेंट प्लांट्स ऑल राइट स्टूडेंट्स पोलिट्राइक्रम के अंदर क्या है प्लांट ही डिफरेंट है यानी कि मेल गेमिटोफाइड बॉडी अलहैदा

फिर ये एप्लॉइड स्पोर्स जैसे ही सबस्ट्रेट के ऊपर गिरेंगे फेवरेबल कंडीशन होगी तो जर्मिनेट करेंगे और ग्रो करना शुरू हो जाएंगे राइट right. यहां पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन का इजाफा है स्टूडेंट्स और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन पेराफाइसिस एंड प्रोटोनिमा ओके नाउ द फर्स्ट थिंग इज पेराफाइसिस नाउ अब इसको देखने के लिहाज से कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कुछ प्लांट्स के ऊपर ऐसा होता है तादाद में पैदा हो सकते हैं मौजूद हैं तो उनकी जो वॉल्स हैं वो तो पहले ही स्टीराइल सेल्स पे मुश्तमिल है लेकिन इसके साथ ही साथ दरमियान में स्पेशलाइज प्रोटेक्टिव लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो कर जाते हैं Or in hair like structures com get the paraphysis, okay? Antheridia and archegonia are produced in clusters and are. मिक्सड विद स्थिर हेयर कॉल्ड फेराफाइसिस अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया को या अगर बहुत ज्यादा एंथरीडिया क्लस्टर्स में मौजूद हैं उनके दरमियान में या एक से ज्यादा आर्चीगोनिया मौजूद हैं और उनके दरमियान में ये जो स्टीराइल हेयर्स हैं दीज आर पेराफाइसेस ओ पेराफाइसेस इनके लिए ये टर्म यूज होती है ऑलराइट right? फिर उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसी टॉपिक के अंदर दर इज प्रोटोनेमा अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है के के मेंबर्स के अंदर अंदर ओके हेपेटिक मेंबर्स हमें ये वाला फीचर नजर नहीं आ रहा था लेकिन इनके अंदर ये पाया जाता है और वो क्या है कि जैसे ही स्पोरोफाइट के कैप्सूल में से स्पोर्स निकल के के ऊपर गिरेंगे तो वो फौरन अपराइट स्ट्रक्चर ग्रुप की सूरत में ग्रो करना शुरू नहीं हो जाएंगे ओके बल्कि क्या होगा कि वो स्पोर पहले वन बाय वन एक, एक सेल की फॉर्म में ग्रो करता हुआ हर एक सेल के साथ एक नया सेल फिर एक नया सेल और फिर एक और नया सेल इस तरह से ऐड करता हुआ एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इस फिलामेंट लाइक आउटग्रोथ का नाम है प्रोटोनिमा ओके okay? और फिर इन ही फिलामेंट लाइक आउटग्रोथ के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स बन जाते हैं और उन बर्ड से फिर गेमिटोफाइट जेनरेशन का आगाज होता है और राइट तो ये बात याद रखिएगा कि प्रोटोनिमा इज द करेक्टरिस्टिक फीचर फॉर ड्रायऑपेड The spore in Bryopsida germinates to form an alga like structure or alga like structure, a

is almost same as it was present in hepatic yahan pe bhi gametophyte generation dominant hai usse sporophyte generation banegi और sporophyte generation is attached and connected to the gametophyte generation. aur कौन से वाली gametophyte? Female gametophyte. All right. इसी तरह से फिर alternation of generations के process को मुकम्मल कर लिया जाएगा. यहीं तक आज के इस session को हम खत्म करते हैं. फिर इन्शाल्लाह ताला next topic के साथ next session में मुलाकात.